अपन पहुंच चुके हैं सिवरी नारायण, ठीक है। और पीछे है पार्किंग जोन, यहाँ पे मैंने अपनी गाड़ी पार्क की करी है और पार्किंग चार्ज यहाँ पे 30 रुपये ले रहे हैं भाई, ठीक है। तो भीड़ भाड़ बहुत है इसलिए ना गाड़ियाँ पार्क कर देना, ठीक है। तो अभी अब चलते हैं आगे घूमने के लिए आगे में चलना जाता है। अभी हम जा रहे हैं नदी की तरफ। क्या तो मेला यहाँ पे लगता है माघ पूर्णिमा के पावन अवसर पर, शाही स्नान का मेला है ना, जैसे देख सकते हो घाट को साफ़ सुथरा बनाया जा रहा है, साफ़ किया जा रहा है, मेले के लिए तैयार किया जा रहा है, लाइट भी लग चुकी है यहाँ पे। और आज का फर्स्ट डे है इसलिए वो शुरुआत है मेला का। अपन जा रहे हैं घाट की तरफ ताकि हाथ पैर अच्छे से धो लें, फिर दर्शन करेंगे बाकी मंदिरों में, ठीक। ओए डोंगा तू ही मन चलाता ना डोंगा, बताऊँ अपन डोंगा के बारे में यार, मतलब कि कहाँ से कहाँ तक घुमाते हो, कितने रुपए लगते पर आदमी, कैसी सीट को बता देना यार। बताओ कहाँ तक घुमाते नहीं, मतलब बाद में जाओ यार, अभी वीडियो बना रहा मन ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। अरे बता देंगे कहा जी, ये मेरे सामने मार्ग बताने यार वीडियो ब्लॉग बता दूंगी कहा जी, ब्लॉगिंग तो अरे अपन डोंगा के बारे में बता दो कहाँ कहाँ घुमा दो किसी से सी बस। तुम चला डर तो ना, तुम चला डर तो डोंगा लो एक घर में बैठते हैं डोंगा में यार, 15-20 बैठते हैं कुछ नहीं हुआ ना, 24-25 बैठे वाला बैठते हैं। अब ये घाट ला कौन से घाट बोलते हैं, बाबा घाट, कौन कौन से है राम घाट, घाट है ना। और यहाँ कितना दूर जाए लगी, यहाँ से यहाँ से कितना दूर जाए लगी, चल ठीक है बढ़िया यार। अब जब मेला घूम के आ जाबो ना तब घूमो, ठीक है ठीक है मस्त वीडियो ना बे। ये बाबा घाट है ना, ओ पार के राम घाट है, माघ पूर्णिमा के पावन पर्व पे माँ चित्रकूटला गंगा जी की महाआरती, आज महाआरती भी है आज पहला। राम घाट के पास है राम श्री राम जी की मूर्ति, इसलिए इसको राम घाट कहते हैं। इधर पूरी घाट है राम घाट, इधर से आए तो घाटी घाट आए इसलिए, और इधर जाना है मेले के लिए, ठीक है। गाड़ियाँ खड़ी है राइट साइड में, और इधर मर्जी कुल टंगिया देखिए, टंगिया मर्जी इधर। तो यहाँ पे अपनी मोबाइल को मैं चार्ज कर रहा हूँ, मोबाइल की चार्जिंग चली गई थी, क्या मेला में बहुत देर तक घूमना है तो चार्ज रहना जरूरी है मोबाइल में। और यहाँ पे अपन को सॉकेट मिला है और ये चार्जिंग चौकेट चढ़ा दिया मैंने। तो दोस्तों यहाँ से मेला जो है स्टार्ट होने वाला है, आप देख लो चलिए मेला आपको घुमाते हैं। चलता रहा आस पास भी कई सारी दुकानें लगी हैं, बहुत सारी दुकानें लगती हैं यहाँ पर। यह है तमकीन की दुकान, ठीक है, देख सकते हो बंदूक बंदूक रखी है। लेना तो ले ले जाओ, यहाँ पे है क्राफ्ट बाजार। कितना बोल रहे इसको, 40 ना, ये कितने का है भाई, 120 का तीन सेट ना, तीन टॉक मतलब एक सेट। निक्की ने खरीदा है मोजा, और जस्ट इस मोजे की दुकान के बाजू में लगी है क्राफ्ट की बाजार। आइए इसको दिखाते हैं, ठीक है। अच्छा तो यहाँ पे पर्ची भी दिया जा रहा है, ठीक है स्पेशल, देख सकते हो। आइए अब आपको क्राफ्ट बाजार ले जाते हैं, भव्य पारिवारिक प्रदर्शनी एवं बिक्री। लकड़ी की चप्पल क्या है ये, बॉडी मसाज के लिए। तो प्राइस लिखना है यहाँ पे, वही है कि 250। आइए आपको दिखाते हैं, और ये है साइकिल, ये भी बहुत ही अच्छा साइकिल बना है यहाँ पर लकड़ी का। क्राफ्ट बाजार है, बेलना चौकी है लकड़ी की, और ये वॉल में किसी भी सामान को टांगने के लिए बनाया गया है। ये देखिए पूछ लेना रेट क्या क्या है, ले लेना और क्या। अभी तो आओ ना, हाँ ये शायद खाने से रिलेटेड चीज़ें रखी हैं यहाँ पे, सौंफ सुपारी लगी पूरी।
अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, खाने पीने से लेकर पहनने ओढ़ने की सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें रखी हैं, ग्लास की बनी हुई है। और यहाँ हाँ यूट्यूब में ही डलेगा भैया, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे मेंस गैलरी है, मेंस लोगों के लिए जो भी आइटम है सजने वजने का, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। हेयर ड्रायर है, कंघी है, चश्मा है, बेल्ट लटकी उधर के जो काम आता है लड़कियों के, बक्कल वक्कल ये सारी चीज़ें इधर, हार है, मंगलसूत्र है, बहुत सारे गहने हैं जो बजरहा गहना जो बोलते हैं, देख सकते हो कितना अच्छा अच्छा है। और इधर टंगी है ट्रेडिशनल साड़ीज प्रिंटिंग वाली, और बॉयज़ के लिए इधर टंगी है टी शर्ट और लोअर, ठीक है। ग्रामर की कहानियों की बुक चाहिए, यहाँ पे पूरी बुक अवेलेबल है। इधर रखिए विंटर सीजन के कपड़े, मोजे बड़ों के छोटे के, और यहाँ पे रेट भी लिखा है इको फ्रेंडली स्टॉक बाई। और यहाँ पे है बच्चों के सैंडल्स, और यहाँ पे रखा है रंग बिरंगा कंघा, ठीक है, यूट्यूब में आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या प्राइस है भैया बैग्स का? 300 350 ना तक की रेट की है ये सारी बैग। और ये ब्रेसलेट की रिंग का पर्दे का प्राइस क्या है सारी ना? ये नीचे वाली 150 के पर्दे हैं, और ऊपर जो आपको दिख रहा है लटका हुआ वो 250 की प्राइस रेट। तो यहाँ पे आप बच्चों के खिलौने, मोबाइल जैसे सीरीज़ की बात करें तो यहाँ पे मोबाइल ग्लास 40 रुपये में फिक्स प्राइस है। इसमें जब आप 3D स्क्रीन है, जब अपने मोबाइल को जब पीछे रखते हो ना तो बड़ा सा दिखता है इसमें, ठीक है। और यहाँ पे रखी है बहुत सारी अचार, अलग अलग वैरायटी के अचार, ये देखिए। ये तो नींबू का अचार है समझ आ रहा है, बाकी कौन कौन सा अचार है? लहसुन का अचार है, और ये शिमला मिर्च का अचार है, और ये आम का अचार, अलग अलग वैरायटी ऑफ अचार देखिए। और वो आंवले का मुरब्बा रखा है आखिरी में, देखिए गुलाब जामुन भी है। अचार की तो ढेर सारी वैरायटी है भाई, ये मिर्ची के एक और वैरायटी की अचार है, देखो ये कौन सा अचार है भाई? ये करौंदा का अचार है, ये वाला आठ बाजार जो लगा है, आठ क्राफ्ट बाजार, हर चीज़ के सामान यहाँ पे अवेलेबल है। और चाकू और लाइटर, गैस लाइटर, ये घरेलू सामान है, ठीक है, किचन में काम आने वाले सामान इधर रखे हैं। ये देखिए ये झूला भी खाली है, और ये ट्रेन वाला झूला ये भी। और यहाँ इस झूले का प्राइस है पर पर्सन 30 रुपीज़, ये भी अभी बंद है, स्टार्ट नहीं हुआ है। और ये देखिए बच्चों का झूला है यहाँ पास, और उसके पीछे है बड़ा सा आकाश झूला, ठीक है। तो काफ़ी सारे झूले अभी जो है स्टार्ट हुए नहीं है, अभी बंद पड़े हैं क्योंकि ये फर्स्ट डे है। और यहाँ कुछ नया है देखिए बच्चे के लिए, आना देखते हैं इसको। और ऐसा चीज़ मैं पहली बार देख रहा हूँ, कई मेले घूमे हैं जहाँ पे बोटिंग राइडिंग का मज़ा ले सकते हैं बच्चे, ये देखो। और पर पर्सन कितना? वाटर बोट चिल्ड्रन पार्क है ये, ठीक है, ठीक है। कितना भैया पर पर्सन कितना इसका? कितना है? 30 रुपये ना, 6 बजे का 30 रुपये। देख सकते हो बच्चे कितने अच्छे से वहाँ पे घूम रहे हैं, एक बड़ा सा वाटर टैंक बना दिया गया है जिसमें बच्चे बोटिंग राइडिंग का मजा ले। आई मीन जितना घूम ले, कैसे भैया जितना देर तक घूम ले, तो 5 मिनट झूला झूला ज़्यादा साले लो। ठंडा पीना है का थोड़ा? कितना भैया खट्टा ही थे कि मीठा? लेमन दे, मीठा ही थे सोडा? प्लेन सोडा चाहिए या फिर एक मसाला सोडा भी है जलजीरा वाला, पुदीना मसाला है तो जो अच्छा लगता है पुदीना वाला भी। आगे अपना पुदीना मसाला सोडा, ये अभी झूला स्टार्ट हुआ है, खाली है अभी, बच्चे नहीं आए इधर। और यहाँ पे लगा है पिज्जे का स्टॉल, ठीक है। मेले में आपका स्वागत, ख्वाहिश पूरा करो पिज्जा। चने चाव रोटी खाना है का? बनवाता हूँ दोनों में बनवा रहा हूँ भैया, रे घर सब बन के रखे ये चना चाव रोटी। तो अभी आते आते और भराने वाला है मेला, जगह जगह टैटू की दुकानें भी लगी है, ये देखिए।
नारियल यहाँ पे रखी जड़ी बूटियाँ। ये क्या है अंकल, ये बड़ा सा जो दिख रहा है ये सारे जो भी रोग इसमें दिख रहे हैं ना कागज में, सभी के लिए जड़ी बूटियाँ हैं। और अंकल जी अपने कोई साथ बीमारी है उसका दवाई मांग रहे जड़ी बूटी। पूरे घर से खत्म, दोबारा कभी नहीं होने वाला जड़ी बूटी, एक बार यूज करके हमेशा के लिए खत्म। और यहाँ भी जड़ी बूटी रखा है, आयुर्वेदिक जंगली जड़ी बूटी, मोटापा कम करने के लिए भी है, बीच पेड़ विशाल और बाल झड़ने से रोकने के लिए। जिन जिन के बाल झड़ते हैं वो देख लो, उसका भी इलाज है यहाँ पे। बाल झड़ने के लिए कौन सा जड़ी बूटी यूज करते हैं भैया? ये महाजाले वाला। कौन सा वाला? ये वाला महाजाले हो? अरे वाह, महाजाले ये वाला जो है ना, ये बाल झड़ते कर लिए काम। यूज कैसे करते इसको? इसको पीस के नारियल तेल के साथ में लगाना बाल में, बाल लगाए जैसे ना कभी झड़ नहीं जाए। और कितने दिन बाद मिल जाएगा रिजल्ट? एक तो दो चार दिन में रिजल्ट आ जाते हैं। जंगली जड़ी बूटी है ना, महाजाल, ये जड़ खत्म हो जाते हैं। साइड इफेक्ट नहीं है कुछ? कोई खराबी नहीं कर, जड़ी बूटी में खराबी वाला है। और मोटापा कम करने वाला कौन सा? ब्रिज के छाल खाना पड़े, ये वाला छाल, ये वाला। हाँ हाँ, ये वाला ही वाला। चलो ठीक है, बढ़िया 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 जड़ी बूटी रखे हो, एक नंबर है ना। देख सकते हो कितनी सारी जड़ी बूटियाँ है, उसकी बारे में बताया उन्होंने। तो आप अगर जड़ी बूटी खरीदना है तो खरीद सकते हो। आइए आपको और आगे ले जाते हैं मेले में। और यहाँ से चालू होता है सिनेमा घर, ठीक है, काफ़ी स्वाद। अबे पिक्चर दिखाई का मत है, देखते आना, देखते दिखाते नहीं उधर। देखिए कौन कौन सी मूवी लगी है, सारी मूवी जो है मन कुरैशी की है। डार्लिंग प्यार झुकता नहीं, अबे लेकिन मैं सोचा था पिक्चर मतलब दिखाई दिखाई किसे पता नहीं, कोई दिखाते। देखो स्पीकर लगे वहाँ, देखो आजूबाजू पूरा, जब शाम को जब चालू हुई था। और ये देखिए पुष्पा मूवी भी लगी अभी, जो साउथ मूवी आई ना अल्लू अर्जुन की, सुपर हिट मूवी, वो मूवी भी लगी है। और देख सकते हो अभी कोई मूवी देखने आया नहीं है, तो जो बड़ा सा पर्दा दिख रहा है व्हाइट कलर का ना, उसी में मूवी दिखेगा। और आजू बाजू बॉक्स लगे हैं, तो अभी तो बुकिंग हुई नहीं है यहाँ पे। और टिकट ये देखिए मात्र 30 रुपये में आपको देखने को मिलेगा। जब पगली फर्स्ट जब लगे दे साइड देखिए। और दूसरा अच्छा, आप ही लोगों क्या है यहाँ के टाकिस वाले, किधर टाइम स्टार्ट होगा यार, किधर टाइम स्टार्ट होगा ये? बढ़िया, 30 रुपये इसका रेट है मूवी का। और 7 बजे शाम को स्टार्ट, ठीक है, जब अंदर हो जाएगा तब। दीपक यहाँ पे जो अपने मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल, उनके किए गए, इनके द्वारा किए गए कार्यों को यहाँ पे पोस्टर में दिखाया गया। ये देखिए क्या क्या उन्होंने किया, राजीव गांधी किसान न्याय योजना और गोधान न्याय योजना, छत्तीसगढ़ मॉडल। और इधर है शारदा टॉकीज, यहाँ पे जो रेट है वो 30 रुपये है, ठीक है। तो सभी टॉकीज में जो भी मूवी लगी ना, सिर्फ 30 रुपये में आप मूवी देखोगे यहाँ पे। और मेरे ऐड चल रहा है जहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जो कार्य किया गया ना उसको दिखा रहे हैं। अबे सीधा टाकिस के गेट है, क्या है वे मेरे हजर पगली फर्स्ट जब लगे हुए, देख सकते हो। चौमिन मोमोज मंचूरियन की दुकान इधर लगी है, पूनम चौमिन सेंटर खरखोद। और इधर है गोदना वाला काम चल रहा है, टैटू में गोदना बजाना है, फिर मेहंदी रचाना है, तो उसके लिए काम चल रहा है। 70-80-90-100 इसका रेट, ठीक है। चना मुर्रा का दुकान लगा है, पारंपरिक खाना खजाना, भोला टैटू सेंटर, चावल के दाने व अंगूठी के दाने पर नाम लिखाने। तो हमारे घर में यूज़ करने वाली पारंपरिक चीज़ें जो यूज़ होती है, देखिए खरेटा झाड़ू है और सूपा है, कुछ नहीं वीडियो बना था ना, कहाँ का सामान लगे बजाए मेला में, इसी के रायपुर ले आया ना मन, का कतना कतना कर कीमत हवा सब लोग बता दूँ, का एक का झाड़ू की थे का है आटा भैरी का है कर रेट कर नहीं एक कीमत का है का तो 40 रुपये ना और, के तीन भी देखन। और वो शादी के का का चीज बने हवा 100 रुपये ना। और दुमन का है रे आंटी, दुमन वाले वो सुपा रहे का दुआ और शादी में का का सामान यूज होते हैं वहाँ के, सब रखे हो।
चलो बढ़िया है। तो देख सको तो शादी के साथ हर चीज़ के सामान यहाँ पे जो अपन घर में साफ सफाई में यूज़ करते हैं, चावल पुने पर सुपा हुआ है, धान धरे पर टोकनी हुआ है और बारी बारी भी है झाड़ू दे बाँस के बाहर ही है ना देहा देहा खरीटा झाड़ू घरों खावा। तो पूरा छत्तीसगढ़ के पारंपरिक चीज़ मतलब जो यूज़ करते हैं घर में तो घर यहाँ पे दुकान लगे हुआ है, दादी जी लगाए हुए हैं, मतलब खुद बनाओ अपन हाथ से हो मतलब अपन हाथ से बना तो फिर बनाता हो तो अच्छा ऐसे हे हमन वीडियो वाला हरन मेला में का कैसे कैसे सामान के दुकान लगे ना वही दिखाबो यूट्यूब में और कुछ नहीं कुछ नहीं हुआ वो और कुछ नहीं दोस्तों। मैं एक बार मैंने मौत का कुआं देखा था बैजी मेला में जो बेमेतरा के आसपास लगता है और यहाँ भी मौत का कुआं लगा है इसलिए अपन भी वहाँ भी जाएंगे मौत का कुआं देखने। चर्चा नहीं हुआ तो कहना पगले शुरू होने लगा
कुठे चेणार आहे काय बटरी दे देना कितना कितना का थे दस के दे मुला दस की चाहिए चना टिकली कतरी से छोटे वाला चना फूटे चना कैसे कतरे होगा बटरी है रे बोलते ना वो चना तो हरे का है वो दस के दे देना बांध के रख दे बांध के रख देना लगे खाने पीने की चीज़ भी देख सकते हो कट कर दूंगा मैं सब काबर काट कर रहता हूँ ताकि कोई भी मूवमेंट मत छूटे बोल डाल दूँ मैं एडिट कर दूँ मंदिर के लिए ठीक है मंदिर के अलग से ब्लॉग बना अलग और यहाँ पे स्कूल के बच्चे भी आए घूमने के लिए देख सकते हो स्कूल ड्रेस में ठीक है काफ़ी बड़े भर आते हैं देख आ रहे देखती है गाड़ी दे इसमें फोटो खींच के रखे हुए हैं इधर इसमें हाँ फोटो खींच के रखे हुए हैं अगर इतनी हुआ कहाँ है पास ये कहाँ है यार तो फोटो खींचा देखिए और इधर है सील लोढ़ा ठीक है देख सकते हो पत्थर की बनी हुई सील लोढ़ा और ये शायद इधर और यहाँ है रखिया पाक भी खजूर का शॉप फोटो शॉप यहाँ पे यम्मू है इस सस्ता भोजनालय ठीक है इधर चूड़ियों की दुकान ठीक है देख सकते हो क्योंकि अलग मार्केट होगा ना आना दे सेट से खाएक रख ले तब पे चल चल देखो पहले मंदिर लाल ना चल चल ठीक है दे साइड ले दे बे दिले मेन गेट दे साइड आवे अबे वो दिखा देखना ते मन ठंडा लहरा रात कैसी मुला लगत है आपके गांव में आपके बाजार में आपके मेले में देख रहे कितना अच्छा है एक कब गैलरी घूम के आते हो जाना भाई घर से वीडियो लेके आ जाऊंगा यहाँ पे रखिए रंग बिरंगे कप कांच के गिलास देखिए कितने खूबसूरत खूबसूरत कप हैं और सब चीनी की हैं प्लेट्स भी लगी काफ़ी रंग बिरंगी और यहाँ पे आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो ठीक है देख सकते हो कितनी अच्छी डिज़ाइन वाली ये ट्रे है चीनी की बनी हुई है ट्रे सारी चीनी की बनी हुई है फाइबर की है चीनी की नहीं है ये सब भी फाइबर की है नहीं ये चीनी है क्या क्या प्राइस है इन सब का सब अलग अलग रेंज में अच्छा इधर का क्या रेंज का है बता दो 200 का 6 180 का 6 150 का 6 140 का 6 और ये जो ट्रे है वो ये 250 रुपए का 250 का ना ये फाइबर का बना है और ये फूलदान 150 रुपये जोड़े का फूलदान है देख सकते हो काफ़ी अच्छी लगी और जब तक मिला लगे तब तक दुकान लगी रहेगी आप आ सकते हैं यहाँ पे क्या नाम है शॉप को बता दो भैया मेरा शॉप का नाम बता दो और क्या भाई इसका कोई नाम नहीं अच्छा ये नाम बादशाह है ठीक है इमरान भाई के नाम से शॉप है और फाइबर की भी यहाँ पे बर्तन है और चीनी की भी बर्तन है और पूरे मार्च तक ये लगी रहेगी मेले भर में शॉप ठीक है थैंक यू भाई चलते लेकिन इसका नाम क्रेन कर दिया है व्हाइट हाउस अच्छा व्हाइट हाउस है बढ़िया इमरान भाई आप ही हो क्या इमरान भाई के छोटे भाई अफताब अच्छा था भाई ये फोटो स्टूडियो ठीक है फ्रेम फोटो स्टूडियो और इधर तो मीना बाजार जैसा सीन लग रहा है भाई देखो वहाँ तो पंडाल अंडाल लगे हैं देखना भाई मेन गेट कहाँ है मंदिर का इधर यही है शायद यही है कि दूसरा रे यार कृपया जूता चप्पल बाहर रखे बोले मेला नहीं गवा के ना अरे मेला है भाई सबरी माता का मंदिर यही है ना यार अच्छा आगे अबे सही गवा के ना चला होगी इधर लटकी है बढ़िया बढ़िया बैग्स लड़कियों के लिए ठीक है सफ़र बैग है स्कूल बैग्स है लेडीज और ये देखिए सेल 150 रुपीज़ है ओनली ठीक है सारी बैग्स जो है 150 सिर्फ लड़कियों की जो बैग्स है ना वो 250 की है और इधर है गॉगल्स की दुकान
हाँ दिखा दें तो। अभी अपन जा रहे हैं सबरी माता मंदिर की तरफ, ठीक है? रास्ता नहीं मेरा भटक गया, रास्ता भटक गए थे अपन, और अपन राधा कृष्ण मंदिर के पास पहुंच गए हैं सबरी माता मंदिर के लिए। भाई ने बताया कि इधर पीछे से रास्ता है, तो अभी विक्की ऑनलाइन कॉलिंग कर रहा है घर में मेला को दिखाने के लिए सिस्टर को। देखते हैं क्या क्या मंगाया सिस्टर ने, ठीक है? अभी हम लोग खड़े हैं चूड़ी की दुकान के सामने, ठीक है? यहाँ पे है लोहे की सामान, ठीक है? चूहे पकड़ने का चूड़िया रखने के लिए, और खुली तवा, ये सब लोहे की सामान है। यहाँ पे देख सकते हो खिलाड़ी हथौड़े से लेके सारी चीज़ें, और ये बड़ा सा एक छारा भी है जिससे खाना बनाने का काम आता है, घर बनाने से रिलेटेड सामान। हम जा रहे हैं मंदिर की तरफ, तो मंदिर नहीं है सामान हरा वाला है का इसने आओ अंकल रखे पाक कितना है रे अंकल अंकल रखे पाक देना मुला एक ये किसे लगता है का दे नहीं मतलब लगते किसे स्वाद में लगते किसे वही है अरे खट्टे दन मीठा ही से खाते होगा ये कितना है रखे पाक का छान है खाबे छान के अंकल चौकी छान के अंकल रखिए पाकला देना का 30 के हो गया सही 30 के अबे देख खा के देखिए कितना मुलायम हवा चला हां ठीक अबे 30 के लड़ डाल दे तुम और ठीक है कि यमक तलवा में दिमाग है हां यमक तलवा पहले का 30 के मोर रहे रख लेते हैं फिर भूल जाओ साले मंदिर के दर्शन करत करत मम्मी से लोहर सामान 10 रुपये मात्र यार मंदिर पर कति जाओ सीधा देखो चेला बस सही से करते है ना पता चला सीधा कहत का तुम्हारा अति निकल गए सीधा